हाँ जी, यार कैसे हो आप लोग? ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो जल्दी से। जी वरदा, ग्रुप में मैसेज करो। हाँ जी, हाँ जी। शीतल, यास्मीन, सायरा, फातिमा, मिशेल, रूप, रूप मिशेल, समर, अरफा, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं?
जी मैं ठीक हूँ। हाँ जी मिशेल कैसी हो? हीरा आप कैसी हो? अच्छा, जो क्योंकि हम थ्योरी का कर रहे थे, थ्योरी कर लेंगे या सेमिनार कर लें? थ्योरी का हम कंटिन्यू कर रहे थे, हम उसी को लेके चलेंगे। ठीक है, अब हमारे चूंकि लेक्चर्स जो हैं वो ऑनलाइन होंगे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेके आप लोग इन लेक्चर्स को सीरियस लेके चलो और अच्छे से इन चीज़ों को करने की कोशिश करो। ठीक है, और जो है ना बिल्कुल भी लेक्चर्स को निग्लेक्ट ना करना। हम इनको जितना हो सकता है मैक्सिमम हम इनको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और आप क्योंकि आप लोगों के एग्जाम भी होने वाले हैं, तो लेक्चर्स को जो है वो आप ध्यान से लेना। ठीक है, आज हम जो है वो ऑरलैंडो की थ्योरी कर लेते हैं। थ्योरीज को थोड़ा सा सीरियस लो, इनको हम जल्दी जल्दी कवर करें जितना हो सकता है, और फिर नेक्स्ट हम आगे चलें। ऑरलैंडो की जो इडा इडा जीन जो ऑरलैंडो है, इसकी थ्योरी के ऊपर आज हम बात कर लेते हैं। तो इसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान से अब आप देखो कि आपकी एक एक थ्योरी कवर हो रही है, ये सारी थ्योरीज का निचोड़ है, यानी कि हमने इनको कंसाइज करके और क्लियर अच्छी चीज़ें समझने के लिए हमने उसके अकॉर्डिंग इनको हमने थोड़ा सा कट डाउन किया हुआ है, जिसमें क्या है, ये 1926 में ये पैदा हुई थी, इन्होंने नर्सिंग प्रोसेस के बारे में बात की थी। ठीक है, ये खुद क्या थी, डिप्लोमा थी, बीएससी पब्लिक हेल्थ नर्सिंग थी, एमए इन्होंने मेंटल हेल्थ नर्सिंग में किया हुआ था, और एसोसिएट प्रोफेसर भी थी। ठीक है, अब ये क्या कहती हैं, इनका प्रोजेक्ट था इनका प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ग्रांट एंड टाइटल था, इंटेग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ कंसेप्शन इन बेसिक नर्सिंग करिकुलम इन्होंने काम किया हुआ था। ठीक है, इनका जो नर्सिंग प्रोसेस, इनकी जो थ्योरी है, और ये है मिडिल रेंज नर्सिंग थ्योरी। इसमें जो थ्रेटिकल सोर्सेज हैं, ऑरलैंडो जो है उसने एक्नॉलेज किया है नो थ्रेटिकल सोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हर थ्योरी, नन ऑफ हर पब्लिकेशन इंक्लूड्स अ बिब्लियोग्राफी। ठीक है, यूज ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस इसके क्या है, इसने क्या यूज किए थे, ऑरलैंडो जो है इसने सिंथेसाइज किया था फैक्ट्स को। अब ये वाली थ्योरी, ऑरलैंडो की थ्योरी जो है ये बहुत ज्यादा आती है, और हमारे पास जो थ्योरी की बुक है उसके अंदर भी इसके बारे में है लिखा हुआ। ठीक है, और मैं जो हमारे जितने भी पेपर्स हैं उसके अंदर जो हमारी फिक्स थ्योरीज हैं, कुछ खास थ्योरीज हैं, उनके बारे में ज्यादा डिस्कशन आई हुई है, हर एक के बारे में नहीं है। जैसे कि ग्रुप में आप लोग अपने मोबाइल में देखो, पास्ट पेपर्स के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन भी कर लेते हैं साथ में। अपने अपने मोबाइल के अंदर जरा ग्रुप में निकाल लो अभी फिलहाल के पास्ट पेपर्स में क्या है, लास्ट लिस्ट डाउन करना है 5 रोल्स ऑफ नर्स मैनेजर क्या है, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ अप्रेजल प्रोसेस क्या है, एंड फिर उसके बाद है इन्यूमरेट करना है पॉसिबल कॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस है, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ISO क्या है, और राइट डाउन द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस क्या है, लिस्ट डाउन एटलीस्ट 5 कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान है, इन्यूमिरेट करना है लास्ट 5 प्रिंसिपल्स फॉर टाइम मैनेजमेंट, और नेम करना है, नेम द स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके, डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग मैनेजमेंट थ्योरी है, इसमें टाइलर की है और हॉथरोन की है, साइंटिफिक थ्योरी है टाइलर की। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारा एक पेपर। ठीक है, नेक्स्ट पेपर है शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन ही था ये भी, और ये नर्सिंग थ्योरी और सेमिनार का था। इसमें हाउ थ्योरीज एंड मॉडल्स हेल्प नर्सिस इन देयर हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है, किस तरह से थ्योरीज और जो मॉडल्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। अगला है गिव 5 कंपोनेंट्स ऑफ नाइटिंगेल विच हेल्प आर नर्स टू प्रोवाइड मैक्सिमम नर्सिंग, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हेल्प करते हैं, जैसे कि हम फ्लोरेंस की थ्योरी पढ़ रहे थे। तो उसके बाद है गिव द नर्सिंग थ्योरी पर्पज क्या है, पर्पस क्या है थ्योरीज के, जो कि हमारा ये जब हमने बुक देखी थी, बुक के अंदर सबसे पहला पहला क्वेश्चन था जिसमें थ्योरीज की डिटेल्स थी, जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि मैं बताती हूँ कि थ्योरी है क्या। फिर उसके बाद है इन द इन द इन द थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट ओराम आइडेंटिफाइज, ओराम जो है वो एक थ्योरिस्ट है, उसने कहा है, उसने आइडेंटिफाई किया है द 5 मेथड्स ऑफ हेल्पिंग। ठीक है, व्हाट आर दोज मेथड्स दैट आर नर्स कैन यूज टू हेल्प इंडिविजुअल, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो इंडिविजुअल की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है व्हाट आर रजिस्टर्ड नर्स रोल्स, रजिस्टर्ड जो नर्स है उसके रोल्स क्या हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद है व्हाट वर सम ऑफ रजिस्टर्ड नर्स के रोल, रोल ऑफ रजिस्टर्ड नर्स, ये हम थ्योरी में देखेंगे। काय की पिक्चर सेंड करनी है उज्मा, ग्रुप में ऑलरेडी हैं, अगर तुम ग्रुप में हो तो अपने पहले ग्रुप को देखो, उसमें पिक्चर्स ऑलरेडी, उसने पेपर्स ऑलरेडी सेंड किए हुए हैं। फिर उसके बाद है why is image of nurse important, nurses का इमेज क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद है what were some of barriers nursing faced to become a professional, ठीक है, कौन कौन से बैरियर्स हैं जो फेस करने पड़ते हैं नर्सिस को, व्हाट सम स्ट्रेटजीज दैट नर्स कैन यूज टू री एनफोर्स पॉजिटिव इमेज, क्या स्ट्रेटजीज यूज करके हम पॉजिटिव इमेज ला सकते हैं। अब ये बात हो रही है बेसिकली स्टैंडर्ड उसकी ट्रेंड्स की, इश्यूज की, और इसके अलावा जो है वो इस तरह का हमने पहले भी हमने एक लेक्चर लिया हुआ, मैं आपको बताती हूँ। ये होगी थ्योरीज, और सेमिनार के अंदर हमने नर्सिंग स्टेटस और इमेज की बात है, ये इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉजिटिव इमेजेस क्या हैं और नेगेटिव इमेजेस क्या हैं, व्हाट आर सम स्ट्रेटजीज दैट नर्स कैन यूज टू एनफोर्स पॉजिटिव इमेज, व्हाट आर फोर रीजंस दैट द हेल्थ केयर कॉस्ट आर राइजिंग, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ये मैंने आपको पहले भी डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग में, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, रोल ट्रांजिशन में ये बताया हुआ है कि क्या वजह है कि जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई है, हॉस्पिटल में लोग जो है वो चार्ज ज़्यादा करने लगे हैं, हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू हो गई है, लोगों की अप्रोच इसके ऊपर कम होना शुरू हो गई है, स्पेशली जो प्राइवेट जो सेटअप्स हैं उसके अंदर, ठीक है। तो मतलब आपके साथ ये पेपर डिस्कस करने का मेरा पर्पज़ ये है कि आपको पता लगे कि हमने चीजें की हुई हैं, ठीक है। ब्रीफली डिस्कस करना है थ्री क्लासिक, अच्छा एनलिस्ट करना है फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ थ्योरी। अब थ्योरी का क्वेश्चन, थ्योरी के ऊपर इंट्रो जो है वो काफी जगह पे आ चुका है, जैसे कि आ गया पहले पर्पस आ गया था, अब थ्योरी के ऊपर उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हुई हैं। तो जो स्टार्ट के जो कुछ वो हैं लाइंस है, व्हाट इज थ्योरी, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरी, और फिर इस तरह उसके बारे में ब्रीफ, थ्योरीज के बारे में ब्रीफ एक्सप्लेन करो, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो फर्स्ट का पेपर है, जो फर्स्ट के चैप्टर्स हैं अबाउट थ्योरी, उनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर आपने ब्रीफली डिस्कस करना है थ्री क्लासिफिकेशंस ऑफ नर्सिंग सिस्टम है, इसमें उन्होंने डोरथी के बारे में बताया, एलिजाबेथ के बारे में, और आई एम आइडेंटिफाइज इन हर सेल्फ केयर थ्योरी क्या है टू मीट सेल्फ केयर रिक्विजिट्स, ठीक है। तो अब इसमें हमने डोरथी की जो थ्योरी है उसको हम पढ़ेंगे, उसके ऊपर फोकस करना है, और रैम की थ्योरी के ऊपर काफी ज्यादा बात हुई हुई है। ब्रीफली डिस्क्राइब करना है कोर केयर एंड क्योर मॉडल को प्रेजेंटेड बाय लीडा हॉल, हमने ये पहले भी थ्योरी पढ़ी हुई है, उसके बारे में हमने कोर केयर और इसके अलावा हमने क्योर के बारे में हमने ये पढ़ा हुआ है, हमारे एक लेक्चर इसके ऊपर हो चुका है, आपको याद होगा इसके बारे में।
हाँ जी बच्चों, मेजर कंसेप्ट और डेफिनेशंस क्या हैं इसकी? हाँ जी, अब ये जो वो है, ये जो थ्योरिस्ट है, ये क्या कहती है? ये कहती है कि डिस्ट्रेस क्या है, नर्सिस का रोल क्या है। अब ये जो थ्योरिस्ट है ये कहती हैं, अब जैसे एक जगह पे आया है, डेफिनेशंस आई हुई हैं, तो उसी तरह आपको डिस्ट्रेस का पता होना चाहिए। डिस्ट्रेस क्या है? डिस्ट्रेस इज द एक्सपीरियंस ऑफ आ पेशेंट डिस्ट्रेस क्या है? बहुत अच्छी। डिस्ट्रेस इज द एक्सपीरियंस ऑफ अ पेशेंट हुज नीड्स हैज नॉट बीन मेट। डिस्ट्रेस क्या है? ऐसी सिचुएशन है जिसमें पेशेंट एक्सपीरियंस करता है कि उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। नर्सिस का रोल क्या है? नर्सिस रोल इज़ टू डिस्कवर एंड मीट द पेशेंट्स इमीडिएट नीड फॉर हेल्प। अब इसमें नर्सिस का रोल ये आता है कि डिस्कवर किया जाए, इज़ टू डिस्कवर। नर्सिस का रोल है कि वो डिस्कवर करे और पेशेंट की जो इमीडिएट नीड फॉर हेल्प है उन्हें जो है वो प्रोवाइड की जाए, पेशेंट को जो है वो फैसिलिटेट किया जाए। फिर इसके बाद है द पेशेंट्स बिहेवियर मे नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू नीड। जो पेशेंट का बिहेवियर है वो रिप्रेजेंट करता है
ट्रू नीड्स को, इसके अलावा द नर्स वैलिडेट्स हिज और हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड विद द पेशेंट। और नर्सिस का रोल ये है कि अब जैसे अब नर्सिस का रोल आपको एक जगह क्वेश्चन में आया हुआ है पास्ट पेपर्स में भी, तो नर्सिस क्या है, वैलिडेट करती हैं हिज और हर अंडरस्टैंडिंग को ऑफ द नीड विद द पेशेंट, कि पेशेंट की नीड्स क्या हैं और नर्सिस की क्या जरूरियात हैं कि वो पेशेंट से किस तरीके से डील करें और किस तरह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती हैं, और पेशेंट्स की नीड्स को असेस करना भी नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब नर्सिस का एक्शन इसमें क्या होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड करना फॉर पेशेंट्स इमीडिएट नीड्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो पेशेंट्स की इमीडिएट नीड्स प्रोवाइड करना। फिर उसके बाद है एन आउटकम इज अ चेंज, आउटकम क्या है, एक चेंज है इन द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के बिहेवियर के अंदर जो चेंज आता है, इंडिकेटिंग आइदर अ रिलीफ फ्रॉम द डिस्ट्रेस और अनमेट नीड्स। आउटकम क्या है, ये एक चेंज है बिहेवियर में पेशेंट के जो कि इंडिकेट करता है आइदर अ रिलीफ फ्रॉम द डिस्ट्रेस, जो कि डिस्ट्रेस से रिलीफ की क्या जो है वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट की जो पेशेंट को डिस्ट्रेस से रिलीव किस तरह से किया जाए और अनमेट नीड्स को किस तरीके से जो है वो फुलफिल किया जाए या क्या उसके अंदर चेंज आता है। आउटकम ये बताता है कि क्या पेशेंट की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं या नहीं, क्या उनकी अनमेट नीड्स जो हैं वो मेट हो रही हैं या नहीं, ठीक है। ऑब्जर्वेबल और वर्बली और नॉन वर्बली, ठीक है, जैसे कि हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, पेशेंट वर्बली बताएगा भी और नॉन वर्बल भी हो सकती है। फंक्शंस, फंक्शन ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग क्या है, अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फंक्शंस ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग क्या है, ऑर्गेनाइज करना, प्रिंसिपल करना चीज़ों को, प्रेजेंटिंग बिहेवियर क्या है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, उनका कंसेप्ट क्या होगा कि प्रेजेंटिंग बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में क्या है, किस तरह से डील करना है, इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा, इंटरनल रिस्पॉन्स होता है इमीडिएट रिएक्शन, जो आप एक किसी चीज़ को लेके किसी भी चीज़ को देखते हो, असेस करते हो, उस पर इमीडिएट रिएक्ट करते हो। नर्सिंग प्रोसेस क्या है, डिसिप्लिन की इन्वेस्टिगेशन है बेसिकली, और इम्प्रूवमेंट क्या है, इम्प्रूवमेंट है किसी भी चीज का को असेस करना और फिर उसका उसको उसका रेजोल्यूशन करना, उसका कोई सलूशन निकालना, चीजों को रिजोल्व करना। फंक्शंस ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, सबसे पहले फाइंडिंग आउट एंड मीटिंग द पेशेंट्स इमीडिएट नीड फॉर हेल्प, फाइंड आउट करना और मीट करना पेशेंट की इमीडिएट नीड को फॉर हेल्प जो भी बनेगी। नर्सिंग क्या है, नर्सिंग इज रिस्पॉन्सिव टू इंडिविजुअल्स हु सफर्स और एंटिसिपेट अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, इट इज़ फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ केयर इन एन इमीडिएट एक्सपीरियंस। नर्सिंग क्या है, रिस्पॉन्सिव है। अब देखो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है आपका, फंक्शंस ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग क्या है, अब ठीक है, सबसे पहले आ गया कि ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल जो कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा है, अब पहला क्या था, फंक्शंस क्या है, अब उन्हें उसने कह दिया ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, तो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल में को आगे डिटेल में बताया गया है क्या है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है और मीट कर और मीटिंग करना है, मीट करवाना है पेशेंट्स की इमीडिएट नीड फॉर हेल्प, ये नर्सिस का रोल है, ये फंक्शन आ गया है, ठीक है, प्रोफेशनल नर्सिंग का। अब इसमें नर्सिंग क्या है, नर्सिंग इज रिस्पॉन्सिव टू इंडिविजुअल, कोई भी नर्स जो है या नर्सिंग का क्या काम है, वो रिस्पॉन्सिव होती है टू इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल को, हु सफर्स और एंटिसिपेट अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, किसी भी इंडिविजुअल को, ऐसे बंदे को जो कि सफर कर रहा है या एंटिसिपेट कर रहा है, चीज़ों को फेस कर रहा है, किस चीज़ को, अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस कि उसको हेल्प की ज़रूरत है, वो उसको मदद की ज़रूरत है और इस वक्त मदद अवेलेबल नहीं है। इट इज़ फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ केयर, और इसका ज़्यादातर फोकस जो है वो प्रोसेस ऑफ केयर के ऊपर है। इन एन इमीडिएट एक्सपीरियंस,
प्रोसेस और केयर के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और इसके अलावा इमीडिएट एक्सपीरियंस पे, ठीक है, जो कि उनका इमीडिएट एक्सपीरियंस चल रहा है कि मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ, मैं किस तरह से पेशेंट के काम आ सकती हूँ। फिर उसके बाद है इट इज़ कंसर्न विद प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस, और इसका डायरेक्ट कंसर्न जो है, इसका कंसर्न जो है वो किस चीज़ से है, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस के, डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए टू इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल को इन वट एवर सेटिंग, किसी भी सेटिंग में हो भले वो, दे आर फाउंड फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग रिलीविंग, ठीक है। इट इज़ कंसर्न विद प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर, डायरेक्ट असिस्टेंट नर्सिस का कंसर्न जो है, जो वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती हैं किसी भी लेवल के, उसका कंसर्न डायरेक्ट जो है वो प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंट से होना चाहिए टू इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल को इन वट एवर सेटिंग, भले वो किसी भी सेटिंग में रहते हों। दे आर फाउंड फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग रिलीविंग डिमिनिशिंग और क्योरिंग द इंडिविजुअल। नर्सिस भले किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी लेवल के किसी भी सेटअप में काम करती हों, चाहे होम केयर हो, चाहे डे केयर हो, चाहे कोई भी नर्सिंग केयर हो रही हो, कहीं भी आईसीयू में हो, जनरल वार्ड में हो, कहीं भी हो, डायरेक्ट असिस्टेंस किसी की को हेल्प आउट करना है नर्सिस का रोल। दूसरा क्या है कि पर्पस क्या होना चाहिए नर्सिंग का, कि अगर पेशेंट किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहा है तो उससे अवॉइडिंग होना चाहिए पर्पस नर्सिस का। अगला क्या होना चाहिए, रिलीव देना नर्सिस का रोल है, डिमिनिश करना प्रॉब्लम्स को और जो सफ़र है उसको डिमिनिश करना रोल है, या क्योर करवाना इंडिविजुअल को किस चीज़ से, फ्रॉम द सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, ये ऑरलैंडो कहती है, ठीक है। दूसरा अब बात फंक्शन आ जाता है प्रेजेंटिंग बिहेवियर, यानी कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में किस तरह से प्रेजेंट करेगी, कैसा बिहेव करेगी। टू फाइंड आउट द इमीडिएट नीड फॉर हेल्प द नर्स मस्ट फर्स्ट रिकग्नाइज द सिचुएशन एज प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। प्रेजेंटिंग बिहेवियर में क्या आएगा कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करती है। टू फाइंड आउट, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे किस चीज़ को, इमीडिएट नीड फॉर हेल्प को, ठीक है। इमीडिएट नीड फॉर हेल्प को द नर्स मस्ट रिकग्नाइज द सिचुएशन, नर्स जो है वो रिकग्नाइज करेगी सिचुएशन को, नर्स जो है वो रिकग्नाइज करेगी सिचुएशन को एज प्रॉब्लमेटिक, कि क्या जो सिचुएशन है वो प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है। द प्रेजेंटिंग बिहेवियर ऑफ द पेशेंट, और पेशेंट का जो प्रेजेंटिंग बिहेवियर है वो किस तरह का है, उस सिचुएशन को असेस करना है। ये नर्सिस का रोल है कि वो देखें कि पेशेंट किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को बता रहा है, कैसे प्रेजेंट कर रहा है, रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्म, रिगार्ड इस चीज़ पे फोकस किए बगैर कि फॉर्म इन विच इट अपेयर्स, किस सिचुएशन में उसका बिहेवियर अपेयर हुआ है, किस तरह से वो बिहेव कर रहा है, इस चीज़ पे फोकस किए बगैर जो नर्स है उसका रोल है कि वो प्रेजेंटिंग बिहेवियर को असेस करें बगैर जजमेंटल हुए, बगैर पर्सनल हुए। मे प्रेजेंट अ प्ली फॉर हेल्प, लेकिन ये देखा जाए कि क्या वो हेल्प के लिए आपसे डिमांड कर रहा है, क्या उसकी सिचुएशन आपको हेल्पलेसनेस, क्या वो आपको हेल्पलेस लग रहा है, क्या आपको लगता है कि वाकई उसको हेल्प आउट करना चाहिए, ठीक है। इस सिचुएशन को समझना ये नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रेजेंटिंग बिहेवियर ऑफ द पेशेंट, द स्टिमुलस, जो भी स्टिमुलस है उसको देखना, कॉज को देखना, और दूसरा ऑटोमेटिक इंटरनल रिस्पॉन्स इन द नर्स, द नर्स बिहेवियर कॉज अ रिस्पॉन्स इन द पेशेंट। और नर्सिस का जो मेन रोल है वो ये है कि जो भी प्रेजेंटिंग बिहेवियर है पेशेंट का और जो उसका स्टिमुलस है जिस वजह से वो ऐसे इस प्रॉब्लम में पड़ रहा है, दूसरा कॉजेज क्या है, ऑटोमेटिक इंटरनल रिस्पॉन्स क्या है, इन तमाम चीज़ों पे नर्सिस का बिहेवियर कॉज, इन तमाम चीज़ों को जज करते हुए जो नर्स का बिहेवियर है वो मैटर करता है कि वो किस तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकती है। इसके बाद इमीडिएट रिएक्शन में क्या है, इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है, जो हमारा इंटरनल रिस्पॉन्स होता है। पर्सन परसीव्स विद एनी वन ऑफ हिज फाइव सेंस ऑर्गन्स एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट,
ठीक है। अब क्या है, पर्सन जो है वो परसीव करता है अपने तमाम सेंसेस को यूज करते हुए, जो प्रॉब्लम जो सिचुएशन चल रही होती है उसको परसीव करता है और उसके मुंह मुताबिक रिएक्ट करता है। द परसेप्शन परसेप्शन जो है वो स्टिमुलेट करता है ऑटोमेटिक थॉट को, ईच थॉट जो है वो स्टिमुलेट करता है एन ऑटोमेटिक फीलिंग को, देन द पर्सन एक्ट्स। और जो पर्सन है वो जब सिचुएशन को थॉट्स को देखता है तो वो उसके मुताबिक एक्ट करता है। हर एक जब सबसे पहले पर्सन जो है उसने अपनी फाइव सेंसेस का यूज किया इसके लिए इमीडिएट रिएक्शन में। दूसरा परसेप्शन ने क्या किया, परसेप्शन ने स्टिमुलेट किया ऑटोमेटिक थॉट को। जैसे ही आपने देखा, आपने परसीव किया ये मुझे ऐसी सिचुएशन लग रही है कि पेशेंट जो है वो खामोश बैठा है, ये सोचा कि मुझे पेशेंट को जरूरत है मेरी, ठीक है, ये असेस किया। आपके माइंड में ये परसेप्शन बनी कि भाई मेरा ये ख्याल है कि ये इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, इसको मेरी ज़रूरत है, ठीक है। आपने जज किया, आपने जैसे ही परसेप्शन बनाई तो इस थॉट जो है उसने स्टिमुलेट किया ऑटोमेटिक फीलिंग को। आप जैसे ही सोचते हो उसको ज़रूरत है तो अगला आपके माइंड में क्या ख्याल आता है, आप रिएक्शन सोचते हो कि इसकी इस ज़रूरत के लिए, इसकी हेल्पलेसनेस के लिए मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मैं क्या काम कर सकता हूँ। ऑटो थॉट आ गया, ऑटो फीलिंग आ गई, देन द पर्सन एक्ट। फिर फौरन उसके बाद से पेशेंट उस पर एक्ट करता है। द फर्स्ट थ्री आइटम्स taken together are defined as the person's immediate reaction. सोचना, perceive करना, thought लाना, automatic feeling लाना और act करना, इसको immediate reaction कहा जाता है। फिर उसके बाद है nursing process का discipline आ जाता है, उसमें क्या आ गई investigation। investigation कहाँ पे आएगी, जब आप assess करते हो, data collect करते हो, ठीक है, जिसमें सबसे पहले जिसका part है observe assessment। Any observation shared on explored, shared and explored with the patient is immediately useful in ascertainment, ascertaining and meeting his needs or finding out that he is not in need at that time. कोई भी ऑब्जर्वेशन जो कि शेयर की जाती है या एक्सप्लोर की जाती है पेशेंट के साथ, ये इमीडिएटली यूजफुल होती है और ascertaining होती है और meeting his needs और पेशेंट के लिए ज़्यादा यूजफुल होती है और पेशेंट की जो नीड्स और जो फाइंडिंग जो हम फाइंड आउट करते हैं चीज़ों को, एंड ही इज नॉट इन नीड एट दैट टाइम। हमारा बेसिकली इन्वेस्टिगेशन में हम ये देखते हैं पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, पेशेंट की ज़रूरियात की डिमांड क्या है, किस तरीके से फुलफिल हो सकती है और किस तरीके से हम इनको पूरा कर सकते हैं।
24 hour का दिनर्स And the nurse does not assume that any aspect of her reactions to the patient is correct. Nurse, ये कभी भी nurse investigation में जब आप investigate कर रहे हो, कभी भी खुद से ये nurse जो है वो assume नहीं कर सकती कि जो है वो क्या है कि that any aspect कोई भी aspect जो है उसके reaction का to the patient is correct. आप अपनी तरफ से ये कभी भी ना सोचो कि जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वो perfect है. ठीक है या मेरा ये मैसेज जो है या जो मैं ये बात कर रहा हूँ ये ठीक है. ठीक हो गया. फिर उसके बाद है कि फिर उसके बाद है हमारा जो एक्शन है वो करेक्ट है. दूसरा हेल्प और अप्रोप्रिएट या वो हेल्पफुल है जो भी मैं काम कर रहा हूँ और या फिर अप्रोप्रिएट है. कब तक? अंटिल शी चेक्स द वैलिडिटी ऑफ इट इन एक्सप्लोरेशन विद द पेशेंट. उस वक्त तक आप अपने काम को अपने रिएक्शन को अपने एक्शन को उस वक्त तक आप परफेक्ट नहीं कह सकते, करेक्ट नहीं कह सकते, हेल्पफुल नहीं कह सकते, अप्रोप्रिएट नहीं कह सकते जब तक चेक ना कर ले उसकी वैलिडिटी को. क्या एक्सप्लोर करके दूसरे लोगों के साथ दूसरे पेशेंट्स के साथ. फिर उसके बाद जैसे अब कोई आईवी लाइन की प्रैक्टिस है तो आप ये कहते हो कि मैं इस तरीके से आईवी लाइन पास करता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है. उसके लिए आप क्या करते हो, आप पहले पेशेंट्स के साथ उस चीज़ को डिस्कस करते हो पेशेंट के साथ उसके आप अपनी उस प्रैक्टिस को कहीं पे इम्प्लीमेंट करते हो उसके रिजल्ट्स देखते हो फिर आप अपने काम पे श्योर होते हो. द नर्स इनिशिएट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन टू असर्शन हाउ द पेशेंट is affected by what she says or does. Nurse जो भी initiate लेती है, nurse initiates a process of exploration, explore करने को किसी भी चीज़ का जो process है और उसकी assertion को check करने के लिए कितना assertive है. क्या करना है कि nurse है वो उसको assess करेगी पहले patients के ऊपर कि कितना affected रहा है और वो उसके लिए जो भी word बोल रही है या जो भी काम कर रही है वो कितना effective है. इस चीज़ को पहले assess करना नर्स का जरूरी है और वो इसके लिए इस प्रोसेस के लिए चीजों को किसी भी प्रोसेस को एक्सप्लोर करने के लिए पहले इनिशिएट भी लाजमी लेती है. व्हेन द नर्स डज नॉट एक्सप्लोर विद द पेशेंट पेशेंट हर एक्शन जब अपने किसी भी एक्शन को पहले पेशेंट के साथ एक्सप्लोर नहीं करेगी इट सीम्स रीजनेबल सर्टन दैट क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन देम स्टॉप. फिर उसके बाद है इट सीम्स रीजनेबल और उसको उस चीज़ को रीजनेबल पोजिशन पे रखा जाएगा किसी सर्टन लेवल पे दैट क्लियर कम्युनिकेशन जो कि कम्युनिकेशन बिटवीन देम स्टॉप्स और किसी भी लेवल पे जो उनकी कम्युनिकेशन है वो उनकी जो भी एक्टिविटी है या एक्सप्लोरेशन है उनको वो स्टॉप करवा सकती है या यूज़ कर सकती है अगर वो प्रॉपरली चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेगी पेशेंट के साथ. ठीक है और जो भी उसका रिएक्शन होगा उसकी वजह से जो भी रिस्पॉन्सेज आएंगे तो वो उसकी कम्युनिकेशन को जो वो पेशेंट के साथ कर रही है या जो भी काम कर रही है वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और वो उसके एक्शन को रिएक्शन को स्टॉप करवा सकता है अगर पेशेंट सेटिस्फाई ना हो पेशेंट के साथ अगर टाइमली चीज़ों को एक्सप्लोर ना किया जाए तो. इम्प्रूवमेंट क्या है? इम्प्रूवमेंट आ जाता है वर्ड अगर देखा जाए तो वो रेजोल्यूशन है. रेजोल्यूशन में क्या है? इट इज़ नॉट द नर्सिस एक्टिविटी दैट इज़ एवेल्यूएटेड. क्या है? ये नर्सिस की एक्टिविटी नहीं होती जो कि एवेल्यूएट की जाती है बट रादर इट रिजल्ट्स. ठीक है रेजोल्यूशन में क्या है कि उसके उसके रिजल्ट्स निकाले जाते हैं. फिर उसके बाद वेदर द एक्टिविटीज सर्व्स टू हेल्प द पेशेंट कम्युनिकेट हर और हिज नीड फॉर हेल्प और हाउ इट इज मेट. ठीक है और इसमें जो एक्टिविटी है जो एक्टिविटी जो सर्व की जाती है हेल्प करने की पेशेंट को वो कम्युनिकेट करती है हिज और हर नीड को फॉर हेल्प एंड हाउ इट इज मेट. और जो भी चीज़ें हैं जो भी आप एक्टिविटी पेशेंट के लिए कर रहे हो उसमें इम्प्रूवमेंट किस तरीके से लाई जाए और किस तरह से आप चीज़ों को इम्प्रूव करवाते हो ये चीज़ मैटर करती है और वो चीज़ शो करवाती है कि आपने जो काम किया पेशेंट के लिए वो कितना हेल्पफुल रहा है मज़ीद उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और कितना हमारे लिए यूज़फुल रहेगा. Each contact the nurse each contact the nurse repeats a process of learning how to help the individual patient. Each contact जो है ना nurse का patient के साथ जो वो दूसरा जो वो repeat करती है
ये जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है नर्स के लिए, कि वो किस तरीके से अपनी चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकती है, किस तरीके से चीज़ों को मज़ीद बेटर कर सकती है जो कि पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होंगे। दूसरा जो मेजर डायमेंशंस है उनमें क्या है, द रोल ऑफ द नर्स इज टू फाइंड आउट एंड मीट द पेशेंट्स इमीडिएट नीड फॉर हेल्प। रोल ऑफ नर्स जो है वो क्या है कि फाइंड आउट करना है और मीट करना है पेशेंट की इमीडिएट नीड को फॉर हेल्प। दूसरा, द पेशेंट्स प्रेजेंटिंग बिहेवियर मे बी अ प्ली। जो पेशेंट का प्रेजेंटिंग बिहेवियर है वो आपने ये देखना है क्या वो प्ली है फॉर हेल्प, क्या वो ऐसा जो है वो प्लेटफॉर्म बना रहा है, क्या वो ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा है या वो इस तरह से प्रिटेंड कर रहा है कि उसे हेल्प की ज़रूरत है। ये नर्स ने ऑब्जर्व करना है उसका। और जो पेशेंट का प्रेजेंटिंग बिहेवियर है मेजर डायमेंशन में, पहले तो नर्स ने फाइंड आउट करना है कि क्या पेशेंट की इमीडिएट नीड्स जो हैं वो क्या फुलफिल हो रही है या नहीं, क्या पेशेंट को यहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है या नहीं। सेकंड चीज़ आ जाती है कि हमने सेकंड डायमेंशन में हमने असेस करना है कि क्या पेशेंट का प्रेजेंटिंग बिहेवियर ऐसा है कि वाकई उसे हेल्प की ज़रूरत है। फिर उसके बाद द हेल्प नीडिड मे नॉट बी वट इट अपेयर्स टू बी। जो हेल्प है जो रिक्वायर्ड है बाज़ों का ऐसा होता है वो इस तरह से देखने में नहीं लग रही होती कि पेशेंट को ज़रूरत है। ठीक है, द हेल्प नीडिड मे नॉट बी वट इट अपेयर्स टू बी। बाज़ों का इस तरीके से हेल्प शो नहीं हो रही होती जिस तरह से हम समझ रहे होते हैं चीज़ों को। ठीक है, असमें अच्छा, इसके अलावा दिस प्रोसेस, फिर उसके बाद थर्ड पे था देयर फॉर नर्सिस नीड टू यूज देयर परसेप्शन। नर्सिस को जरूरत है कि वो अपने परसेप्शन का यूज करें, थॉट्स का यूज करें अबाउट द परसेप्शन। ठीक है, और द फीलिंग्स, नर्सिस नीड टू यूज़ देयर परसेप्शन, अपनी सोच, अपनी परसेप्शन इसके बारे में आप ब्रॉड करें। हमने समझना है चीज़ों को, थॉट्स अपने यूज़ करने हैं अबाउट परसेप्शन और फीलिंग्स को, और इन जेंडर करना है फ्रॉम देयर थॉट्स टू एक्सप्लोर विद द पेशेंट्स द मीनिंग ऑफ देयर बिहेवियर। तो हमने क्या करना है, हमें चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, अपने थॉट्स को, परसेप्शंस को, अपने अपनी जो लर्निंग है, अपने जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करते हुए हमने चीज़ों को इंटरेक्ट करना है और पेशेंट के साथ डिस्कस करना है, और उसके जो नीड्स हैं उनको असेस करने के लिए हमने अपनी सारी सेंसेस का यूज़ करना है ताकि हम देख सकें कि वाकई पेशेंट जो है वो हेल्पलेस है और पेशेंट को हेल्प जो है वो रिक्वायर्ड है। दिस प्रोसेस हेल्प्स नर्स फाइंड आउट द नेचर और द डिस्ट्रेस एंड व्हाट हेल्प द पेशेंट्स नीड। ये प्रोसेस जो है वो हेल्प करता है नर्स को फाइंड आउट करने में नेचर ऑफ द डिस्ट्रेस को, और दूसरा व्हाट हेल्प द पेशेंट नीड। पहले तो हम डिस्ट्रेस का लेवल देखेंगे, जब हम मेजर डायमेंशंस का, अपने थॉट्स का, अपनी 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 जो विजन है उसको यूज करते हुए हम सबसे पहले ये देखेंगे क्या पेशेंट को हमारी जरूरत है या नहीं। सबसे पहले देखेंगे कि लेवल ऑफ डिस्ट्रेस क्या है, फिर उसके बाद व्हाट हेल्प द पेशेंट नीड और क्या चीज़ें जो है वो पेशेंट की हेल्प कर सकती हैं नीड्स में। नर्सिंग क्लाइंट, अब हम ये नेक्स्ट इसको देखेंगे लेक्चर में। अभी हम लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, सब लोग अटेंडेंस लगवा दो अपनी।